जय जय श्री सीताराम। कब हो करी करुणा नल देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। हम भांति भांति के शरीर में जाके, भांति भांति की योनियों में जाके भटक रहे थे, बड़ी ही दीनहीन अवस्था में थे। फिर भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान ने मन में संकल्प किया कि इस जीव को एक अवसर दिया जाए कि ये अपना कल्याण कर ले, ये अपना उद्धार कर ले। कृपा हुई, करुणा भरी दृष्टि से देखा और देत ईश बिन हुई तुसने ही। भगवान ने ये शरीर दे दिया बिना किसी हेतु, बिना किसी, केवल हमारे कल्याण के लिए कि हम जो भटक रहे हैं वो अपना उद्धार कर लें, अपना कल्याण कर लें, इसलिए दिया। भगवान 10 बार देते हैं, 20 बार देते हैं, 50 बार देते हैं, 100 बार देते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं आती कभी। इतनी ही बात आती है कि जब भगवान को बड़ी दया आ जाती है कि ये जीव भटक रहा है, भटकते भटकते दुर्दशा को प्राप्त हो चुका है, तो भगवान मानव शरीर दे देते हैं कि भाई ये मैंने मानव शरीर दे दिया कि साधन धाम मोक्ष कल द्वारा, ये अब तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इससे तुम लाभ उठा सकते हो या नहीं उठा सकते। हमने तो दे दिया भाई, हमारी तरफ से तो अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, भगवान की ओर से अब हमारा ये अंतिम जन्म है। भगवान ने तो इसीलिए ये मानव शरीर दिया ना कि हम कल्याण कर लें, भगवत धाम चले जाएं, भगवान के सानिध्य में रहें, भगवान की सेवा करें। इसलिए भगवान की ओर से तो ये हमारा अंतिम जन्म है, ये बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए। भगवान नहीं चाहते कि हमें अब दूसरा जन्म लेना पड़े। इसलिए यदि किसी के मन में ये बात हो कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, या फिर 2 जन्म लग जाते हैं, 4 जन्म लग जाते हैं, 10 जन्म, 50 जन्म, बार बार शरीर बदलना पड़ता है, मानव शरीर में ही बार बार जाना पड़ता है, ऐसा नहीं। भगवान की ओर से तो ये अंतिम जन्म है। अब यदि इसके आगे जन्म होगा तो उस जन्म को निमंत्रण देने वाले हम स्वयं हैं कि भाई आओ और हमें दोबारा जन्म लेना है। अन्यथा भगवान की ओर से तो बस यही फाइनल है, भगवान की ओर से बस यही जन्म है बस। और अब यदि हम आगे जो जन्म है यदि उसको हम निमंत्रण ना दे कि भाई हमें आगे जन्म लेना है, तो फिर अब हमारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर, ये जन्म केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, इसलिए ही भगवान ने दिया है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी क्षण भगवान की प्राप्ति इस मानव शरीर के द्वारा की जा सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि जाओ भाई तुम अपना कल्याण कर लो, तुम जहां फंसे हुए हो पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, यहां से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओ। भगवान की कृपा कोई मामूली कृपा है क्या? ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की कृपा बहुत बड़ी है कि भगवान ने जीव के लिए ये अवसर दे दिया कि भाई तुम अपना कल्याण कर लो, और यदि इस जन्म में मुक्ति हो गई तो भगवान फिर दोबारा जन्म नहीं देंगे, भगवान की ओर से तो यही अंतिम है। और अब यदि जन्म होगा तो यह हमारे अपने कारण से होगा, हमारी अपनी भूल से होगा, अपनी गलती से होगा। इस जन्म के पश्चात जो ऊंची योनि में जाएं या नीच योनि में जाएं, किसी भी योनि में यदि जन्म होगा तो वो हमारे गुणों के संग के कारण होगा, जो भी गुणों का संगम करेंगे। भगवान ने वैसे तो सभी जीव को समान बनाया है ना, लेकिन भगवान ने मनुष्य में एक विलक्षण बात दी है, वो क्या है? वो है मनुष्य का विवेक। विवेक क्या सामने रखा भगवान ने कि देखो ये सृष्टि है, ये नष्ट होने वाली है, ये बदलने वाली है। मनुष्य यही देखता है ना, सब प्राणी जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन हो रहा है, दिन भी समाप्त हो रहा है, रात हो रही है, रात भी समाप्त हो रही है, कोई जाग रहा है तो वो सोएगा भी, सो रहा है तो वो जाएगा, जागेगा भी, अर्थात संसार स्थिर नहीं है, ये अनित्य है।
इस संसार की जो अनित्यता है ये दिखती है कि नहीं? ये तो अनित्य है ना, एक रूप तो रहता नहीं है, ना दिन रहता है ना रात रहती है, ना शीतकाल ना ठंड रहती है, ना गर्मी रहती है, ना वर्षा रहती है, ना कोई सदा जागता रहता है, ना कोई सदा सोता रहता है ना, ना भूतकाल सदा रहने वाला है, ना वर्तमान रहने वाला है, ना भविष्य रहने वाला है। सृष्टि का केवल एक ही धर्म है, वो धर्म है सृष्टि का कि सृष्टि बदल रही है, और जो बदल रही है वो है नहीं। वस्तुतः जो बदल रही है वो है नहीं। यही जो विवेक है, यही विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है। अन्य जो जीव है उन्हें केवल खाने पीने का विवेक है, ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो उत्पत्ति को भी जानता है, विनाश को भी जानता है ना, जन्म को भी जानता है, लय को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है, और स्वयं अलग रहते हुए भी इस चक्कर में फंस भी सकता है और इस चक्कर से निकल भी सकता है, और इसी के कारण जन्म मरण होता है, अन्यथा जन्म मरण नहीं होगा, नहीं तो भगवान की ओर से तो ये फाइनल होता है। अब जन्म होगा तो ये हमारे अपने कारण से, अगर हम भगवान आज्ञा के विरुद्ध ना चलें, जो भी ठीक ठीक हमारी मर्यादा है यदि उससे चलें तो फिर जन्म नहीं होगा, और इसमें मनुष्य समर्थ भी है, स्वतंत्र है, निर्बल तो है नहीं, अयोग्य तो है नहीं, हर प्रकार से योग्य है। यदि मनुष्य इस प्रकार से ठीक ठीक चले तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, मुक्ति तो स्वतः ही हो रही है, तुम्हें तो अपनी मुक्ति के लिए भी प्रयत्न नहीं करना है, मुक्ति तो स्वतः हो रही है, क्योंकि अनेक जन्मों से जो भी तुम्हारा प्रारब्ध बना हुआ है ना, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जो भी अनेक जन्मों से तुम्हारा प्रारब्ध बना हुआ है वो फल के रूप में आकर तुमसे टकराएगा ही टकराएगा, वो तो परिवर्तित होने वाला है नहीं, तुमसे टकराएगा और वो प्रारब्ध धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। फल भोग में आया नष्ट हो गया, फिर फल भोग में आया फिर नष्ट हो गया। तो जो संचार जो काम है ये कोई काम नहीं करती, तो बस आए और नष्ट हो गए, उनके वश में कुछ नहीं है, वो तो बस आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से विचार करें कि देखो भाई ये सब तो विनाशी हैं, सब विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन हम इसमें क्यों उलझे हैं? बात तो ये है, हम यहां उलझे क्यों हैं, हम यहां फंसे क्यों हैं? हम तो सब कुछ जानते हैं ना, ब्रह्मलोक तक जिसकी गति हो जाती है वो ब्रह्मलोक तक की गति वाले प्राणी भी लौट के फिर संसार में आ जाते हैं। ब्रह्मलोक भी तो की गति भी पूरी नहीं है, मुक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी भी एक समय ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, और उस 100 वर्ष की आयु में कितना बड़ा दिन कितनी बड़ी रात ब्रह्मा जी की, और इन दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की कितनी बड़ी उम्र। ऐसे ब्रह्मा जी हैं, वो भी उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्मा होके चले गए, अनंत ब्रह्मा आने वाले हैं। वाह, मनुष्य को क्या ज्ञान है, कैसा भगवान ने दिव्य ज्ञान मनुष्य को करवा दिया है, और ये कार्य मनुष्य शरीर से ही हो सकता है, मनुष्य शरीर में ही ये ज्ञान हो सकता है, बाकी खाना पीना ऐशो आराम ये तो हर एक शरीर में हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा आपस में व्यवहार करना ये सब तो प्रत्येक योनि में है। जो जानवर है ना वो भी आपने देखा होगा, वो भी थोड़ा अपना परिवार कुछ जो अपना ग्रुप है समूह उसमें रहते हैं, तो इतना तो वो भी समझते हैं, इतना तो वो भी समझते हैं, लेकिन ये हमारे समझने वाली बात है कि ये शरीर है, ये अंत में नहीं रहेगा, ये मिला है हमें भगवत प्राप्ति के लिए, ये मिला है हमें हमारे सदुपयोग के लिए, भगवान ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करके हमें इस मानव शरीर से बाहर निकल के जो हमारा नित्य धाम है उसमें जाना है, बस इतना ज्ञान हो जाए अभ्यास में आ जाए तो फिर आगे जन्म नहीं होगा, ये जन्म ही अंतिम जन्म हो जाएगा, और यदि अब उसमें उलझ जाओगे, इसमें रम जाओगे, इसमें राग कर लोगे है ना, तो यम यम बापी स्मरण भावम त्यजयंते कलेवरम,
तो फिर जो जिस जिस भाव से जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो अंत में शरीर छोड़ेगा, वो अंत समय के पश्चात फिर उसी गति को प्राप्त होगा। तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरा स्मरण करते हुए मरो, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ो तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ो तो भगवान की प्राप्ति है। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो अभी आगे अपने जन्म की तैयारी कर लो, स्वतंत्र हो, चाहो तो आगे अपने जन्म की तैयारी कर लो, है ना। लेकिन ये मानव शरीर आगे जन्म लेने के लिए नहीं मिला है भाई। आपके सामने देखिए भूत है, भविष्य में वर्तमान है, सब बदल रहा है ना, सब परिवर्तित हो रहा है, उचित है अनुचित है, अनुकूल है प्रतिकूल है, हर परिस्थिति आती है चली जाती है। अब उनमें उलझ जाओ तो भाई तुम्हारी मर्जी, जन्म लो फिर मर जाओ। ये तो ऐसे ही बदलते हैं, इनमें उलझना ठीक नहीं है। इनमें क्या राग करें, क्या दोष करें, क्या हर्ष करें, क्या शोक करें, क्या उन्हें पकड़ के बैठे, क्या छोड़ दें, ये तो यूं ही चलता रहेगा। हर्ष शोक राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूल ये सब तो बदलता है। फिर मैं अलमोल तोलते माया, मैं तू ये मैं, सब बदलने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। और आप जानने वाले हो, बस इस जानकारी को अपने अभ्यास में ले आओ तो स्वतः मुक्त है। आप किसी के साथ चिपके नहीं तो मुक्ति है। मुक्ति तो भगवान ने स्वतः ही सिद्ध दे दी है। जैसे बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, अपने आप आई चली गई। ऐसे ही संसार को मिटाने के लिए, संसार के भय को मिटाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां तो मुक्ति स्वतः ही हो रही है। हम जो नई नई वस्तुएं हैं ना, इनको खुद ही पकड़ते हैं और छूट ही अपने आप जाती हैं। हमने बाल्यावस्था पकड़ ली, अपने आप छूट गई। हमने युवावस्था पकड़ ली, अपने आप छूट गई। हमने वृद्धावस्था पकड़ ली, अपने आप छूट गई। हम पकड़ते रहते हैं लेकिन ये अपने आप ही छूटती है। यदि हम पकड़ना छोड़ दें तो मुक्ति है। ये जो बंधन है ये हमारा बनाया हुआ है। आपकी मर्जी हो तो रखो और आपकी मर्जी हो तो छोड़ दो। लेकिन भगवान की ओर से, जैसे मैंने कहा, भगवान की ओर से दूसरे जन्म की यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है कि दूसरा जन्म आपको लेना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवद आज्ञा का अनुसरण करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, नाम जप करो, है ना। भगवान सब जगह है, परिपूर्ण है, फिर भी लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, सब दुख पा रहे हैं। भगवान भले ही सृष्टि के कण कण में है लेकिन वो काम आए क्या? नहीं आए ना। हाँ, आप स्वीकार कर लो कि भगवान है, संसार नहीं है तो ये काम आ जाएगा। और वही भगवत आज्ञा का अनुसरण करो, नाम जप करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, और संसार की जो भी परिस्थिति सामने आ रही है उनको भगवत कृपा मानकर स्वीकार करो, उसको भोगो, लेकिन उसको पकड़ो मत। ठीक है, आई और जाने दो, आई और जाने दो। जैसे कोई किसी बस में यात्रा करे, बस में बैठा, बैठने के पश्चात अपनी यात्रा करी, उतर के चल दिया। अब वो बस आई या नहीं आई उसको उससे कोई सरोकार नहीं है। बस में अपनापन नहीं हुआ, बस में मैंपन नहीं हुआ कि बस मेरी है, उसको उपयोग किया वो गई। उसी प्रकार जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी आपके कर्तव्य हैं, धर्म हैं, उनको करो और जाने दो, वो स्वतः ही चले जाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि हर क्षण लय, हर क्षण अपने विनाश की ओर ही बढ़ रही है। जैसे मनुष्य शरीर हर क्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है, उसी प्रकार ये सृष्टि भी हर क्षण विनाश की ओर ही बढ़ रही है। बस पकड़ना नहीं है, पकड़ लिया तो बंधन है और छोड़ दिया तो मुक्ति है। इतनी सी बात है। भगवान की शरण ग्रहण करो, शरणागति लो, भगवद आज्ञा के अनुसार चलो, किसी का दुख मत खाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, नाम जप करो, बस। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।